जय हिंद दोस्तों। देखो शानदार भर्तियां आ चुकी है हमारे सामने, जैसे सीआरपीएफ एससीएम का आपको दिख रहा है, अलग अलग भर्तियां हमारे सामने आ रही है, बहुत ही शानदार भर्तियां। देखो अब सीआरपीएफ एससीएम का फॉर्म लास्ट 25 जनवरी तक भरा जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं भर रहे। क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि आपने एक नाम पढ़ लिया था, टाइपिंग टेस्ट। क्यों नहीं? अब ये नहीं जानते कि टाइपिंग, तो मैं आपको बता देता हूं, पिछले एसएससी एमटीएस एग्जाम में हमने आप लड़कों के कराई थी, 20 दिन में आप एक अच्छी खासी टाइपिंग की स्पीड ला सकते हो, ध्यान रखना। तो अपने आप को मोटिवेट रखो, ये मत देखो कि इसमें टाइपिंग, अरे टाइपिंग आगे कब होगी, क्या होगी, पहले पेपर तो इसका फरवरी में ही है। और सेम मैं तो कहता हूं, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, वो सारे, तो मैं बताऊं ज्यादातर फायदा किसको होगा? एसएससी जीडी वालों को होगा, क्योंकि हिंदी जो की तो इसमें पूछी जाएगी, मैथ रीजनिंग सेम, जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है सेम का सेम सीआरपीएफ एससीएम का है। तो मैं तो कह रहा हूं कि अब तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तुम लोग अपना फॉर्म लगा दो। फॉर्म तुम्हें फिलअप करना अनिवार्य है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट से आपको डरना नहीं है। टाइपिंग टेस्ट मेरा अनुभव जहां तक कहता है, आप 20 दिन में अपनी अच्छी खासी स्पीड बना सकते हो। जैसे ही आपका पेपर क्लियर होगा, उसके बाद में आपको करना क्या, 24 घंटे में से 16 से 17 घंटे आपको टाइपिंग ही तो करनी है। और टाइपिंग देखो बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, ये मत सोचना कि इसमें तो टाइपिंग है सर, फॉर्म क्या भरना है ना। तो टाइपिंग आप बड़े आसानी से सीख सकते हो, इस बात की मेरी गारंटी है। तो देखिएगा इसमें मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है। सीआरपीएफ एससीएफ में लिखा है मैंने कि नौकरी लेनी है लग जाओ, है ना, नौकरी लेनी है लग जाओ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बहुत ही बढ़िया भर्ती है इसमें। तोहफा ना, नए वर्ष का आपके लिए तोहफा मान सकते हो, इसका नया वर्ष का तोहफा। 1400 देखो 1315 वैकेंसी हेड कांस्टेबल की है और एएसआई स्टेनो की है 143। इसमें तो केवल स्टेनो वाले जाएंगे, लेकिन इसमें तो सारे जा सकते हैं ना, जिसको थोड़ी बहुत भी टाइपिंग, ये मत सोचो कि मुझे टाइपिंग नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं टाइपिंग नहीं आ रही। तो टोटल जो पोस्टें देखो यहां पर दर्शाई गई है, यूआर यानी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की पोस्टें भी है, ओबीसी एससी एसटी, और टोटल 1315 पोस्ट आपको यहां से, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल भी मिनिस्ट्रियल बताई गई है, ध्यान रखना। तो यहां से देखना 4 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को नहीं भी पता है इस विषय में। 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी लास्ट डेट नजदीक है, इस कारण मैंने सोचा, सर ने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा लास्ट में आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको टाइपिंग से नहीं डरना है, टाइपिंग से नहीं डरना है। अरे पैसा ही पैसा होगा आपके पास में, क्या होगा, नए साल में पैसा ही पैसा होगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की 5 पोस्ट है, 29,200 से लेकर 92,300 तक का तुम्हारा पेमेंट है, 92,300 तक का, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा यहां पर, है ना। एज लिमिट देखो 18 से 25 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका जन्म 26/1/1998 के पहले और 25/1/2005 के बाद में ना हो, तो पैसा ही पैसा होगा। एज लिमिट के बारे में आपको यहां से बता ही दिया, आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और ऑफिशियल इसकी वेबसाइट में आपको बता दूंगा अभी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो 12th पास भर्ती है, केवल 12वीं पास मांग रहा आपसे और कुछ नहीं मांग रहा। आप अगर 12th पास है तो इस भर्ती में फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो। अगला एप्लीकेशन के बारे में कि 4/1 से फॉर्म भरे जाएंगे, 25/1 तक, सब तुरंत के तुरंत। देखो मेन बात इसकी क्या है कि इसमें तुम्हारा एक फिक्स टारगेट हो जाएगा, और फिक्स टारगेट क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो एग्जाम है, तुम्हारा एग्जाम है वो कब से, 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात जो इन्होंने दी कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो जाएगा, 15 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। अगला देखो रिलीज ऑफ एडमिट, सॉरी 15 फरवरी को तो आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और 22 से 28 फरवरी के बीच में आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो देखो बहुत ही जल्दी एग्जाम भी आपका हो जाएगा, तो निश्चित रहे सब तुरंत के तुरंत है। पोस्टों के बारे में फिर से आपको बता दिया गया है, वैकेंसीज के बारे में आप देख सकते हो, है ना। अगला आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो देख लिया, मैं कह रहा हूं कि सेम से सेम कब देना है पेपर, 22 से 28 फरवरी 2023 के बाद में। एक तो या तो हिंदी या इंग्लिश में से चयन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है जैसा एसएससी जीडी में होता। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 अंकों के। जनरल एप्टीट्यूड यानी जिसको आप मैथ बोलते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें। जनरल इंटेलिजेंस इसके आपके जीके के जो आप कहते हैं वो, जनरल एप्टीट्यूड जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप जीके बोल सकते हैं, जीके जीएस बोल सकते हैं, इसके 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। और मैथ के भी आपके कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इसको जनरल एप्टीट्यूड में मैथ या रीजनिंग ऐसा कर सकते हैं। 90 मिनट मिलेगी, 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र यहां से होने वाला है, 90 मिनट में 100 अंक। तो सेम पिछली बार जो एसएससी जीडी का सिलेबस था, यानी 25-25 क्वेश्चन आ रहे थे, सेम वही का वही आपका यहां से मिलेगा। अगला देखिएगा,
स्किल टेस्ट, जो आप स्किल टेस्ट से जो डर रहे हैं कि जो शॉर्टलिस्टेड होंगे एएसआई और स्टेनो के लिए, हु क्वालिफाई इन सीबीटी सेल वी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट आई स्किल टेस्ट पीएसटी डीवी डीएमई विच विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सीआरपीएफ, है ना। तो यहां से देखिएगा 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट आपको डिटेक्शन का टाइम दिया जाएगा स्किल टेस्ट में, 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये इसमें नॉर्मल वाली बातें हैं, ये बातें सीखी जा सकती है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ध्यान रखना दौड़ना नहीं इस बार, रनिंग भी अगर आपसे रनिंग नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको हो सकता है कि इसमें नहीं दिख रहा है तो आप हमारा कमांडो अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें, 77 आपका चेस्ट है, एक्सटेंड टोटल जो 82 तक यानी 5 सेंटीमीटर का आपको इसमें फुलाव मांगा है, 82 सेंटीमीटर तक आपका चलेगा। अगला आप ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स यानी जो पिछड़े जो क्षेत्रों से जो निवास करते हैं उनके लिए 162.5 6081 आपका यहां से बन जाती है हाइट। इसके बारे में त्रिपुरा लद्दाख है ना उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है, तो आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से इसका भी, है ना। नौकरी को अपना बनाते हैं, है ना, आओ दोस्तों मिलकर क्या करते हैं, नौकरी को अपना लेते हैं। तो बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना पेपर पर, बाकी टाइपिंग टेस्ट के लिए आप एकेडमी आ सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन भी। अब आप कहोगे सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो सेम जो एसएससी जीडी का सिलेबस है वही इसका है, चाहे आप हमारे एप्लीकेशन से तैयारी करो कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन अच्छे से रखो, पहले पेपर की तैयारी रखो उसके बाद में स्किल टेस्ट सारे होते रहेंगे, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए इसने कोई स्पेशल डेट नहीं दी आपको कि कब होगा आपका टाइपिंग टेस्ट क्या होगा, लेकिन एग्जाम कन्फर्म है कि फरवरी में ही होगा, 15 फरवरी को आपको एडमिट कार्ड भी आपके हाथों में आ जाएंगे। तो बहुत कम समय आपके लिए इसमें बचा है, आपको जी जान तोड़ देनी है। अगर आपका एसएससी जीडी का पेपर भी थोड़ा ठीक नहीं हुआ या आपको थोड़ा डाउट है तो आप इसमें अपना अच्छे से लक आजमा सकते हैं, लक को नहीं कह सकते, अपनी मेहनत को फिर से आप इसमें लगा सकते हैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने रखा जाएगा। एक लास्ट बात कहना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। तो एक बार सभी को जय हिंद, आपके लिए बहुत जल्दी YouTube पे भी फ्री सीआरपीएफ के लिए क्लासें आना शुरू हो जाएगी। तो एक बार सभी को जय हिंद जय भारत।